बाजार में बन रहे हैं ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड, और अगर लाइफ टाइम हाई के अलावा बाजार में इस वक्त अगर किसी एक और बात की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पीक मार्जिन। जी हाँ, इसी पर है हमारा ये खास शो, पीक मार्जिन या ठीक मार्जिन। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। कल से पीक मार्जिन का तीसरा चरण लागू हो जाएगा और बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए अब आपको ज्यादा मार्जिन देना होगा। तीसरे चरण के तहत जून से लेकर अगस्त के बीच में आपको 75% मार्जिन देना पड़ेगा। अभी ये दूसरे चरण के तहत हम चल रहे हैं, 50% का पीक मार्जिन का अधिनियम ऑलरेडी लागू हो चुका है। लेकिन सेबी के इस फैसले के बाद काफ़ी ब्रोकर्स परेशान हैं और इसे टालने के लिए सेबी और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वैसे इस फैसले के पीछे सेबी के अपने भी तर्क हैं, अपने भी लॉजिक हैं। सवाल ये कि पीक मार्जिन कितना ठीक है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका एक क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स एक तरफ, ब्रोकर्स दूसरी तरफ, और बाजार की लिक्विडिटी तीसरी तरफ, और सेबी के कायदे कानून और बाजारों को उनको सुरक्षित रखने की कोशिश, इन चारों का तालमेल बन सके और एक ऐसा सिस्टम सामने आए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और बाजार की लिक्विडिटी को प्रभावित न करें और लोगों को ट्रेड करने में भी आसानी हो, साथ ही साथ बाजार और लोगों की पोजीशन भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, पूरे मार्जिन्स के साथ रहे। इसी पर हमारी है खास पेशकश, पीक मार्जिन या ठीक मार्जिन। स्वागत करते हैं हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, NSE मेंबर्स की एसोसिएशन NME के डायरेक्टर हैं राजेश बाहेती साहब, जो अपनी पूरी एसोसिएशन और अपने मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ करेंगे। देश की जाने मानी दिग्गज फर्म, ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के CEO रूप भूत्रा साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। इसके अलावा सेबी की तरफ से इस पूरे नए मार्जिन सिस्टम के पीछे क्या मंशा है, क्या फ़ायदा होगा और क्यों किया जा रहा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अलायंस लॉ के मैनेजिंग पार्टनर RS लूना साहब से, और साथ ही ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे हमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को क्या मुश्किलें हो रही हैं। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद आप सबने समय दिया। सबसे पहले भूत्रा साहब आपके पास आना चाहता हूँ, लोगों को, आम दर्शकों को जानकारी के लिहाज से समझाएं कि पहली चीज़ तो ये पीक मार्जिन है क्या, किसको कहते हैं पीक मार्जिन, और दूसरा कल से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी में क्या बदलने वाला है, कितने मार्जिन ज़्यादा लगेंगे, ये एक बार पहले समझा दें फिर हम चर्चा को शुरू करते हैं। जी सबसे पहले तो आपको भी बधाई, आपको और चैनल को, हाईएस्ट मार्केट लेवल अचीव हुआ है आज निफ्टी और सेंसेक्स में। जो आपने ये मार्जिन के संबंध में बताया, सेबी ने 1 दिसंबर से जो ये लागू किया था जिसमें पीक मार्जिन चालू हुआ था उस टाइम में फॉर द इंटरडे पोजीशन ऑल्सो, उसके पहले एंड ऑफ द डे की जो पोजीशन थी उसके लिए मार्जिन पूरा एप्लीकेबल था हर क्लाइंट के लिए और वो आज भी एप्लीकेबल है। पर साथ में सेबी की ओर से जो लागू किया गया नया नियम जिसमें ड्यूरिंग द डे जो ट्रेडिंग होती है उसमें डिफरेंट लेवल पे पीक मार्जिन का कैलकुलेशन होएगा और वो पीक मार्जिन का कैलकुलेशन के बेस पे क्लाइंट्स को मार्जिन मनी देनी होगी। स्टार्टिंग में जो पहला 3 मंथ का था उसमें ये था कि 25% मार्जिन क्लाइंट को देना है टोटल मार्जिन का, 75% तक ब्रोकर की ओर से मार्जिन का पेमेंट हो सकता था। लॉजिकली पूरा एक्सचेंज के पास में ऐसे पूरा का पूरा पीक मार्जिन 100% रहता है, लेकिन कितना मार्जिन क्लाइंट को देना है वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। तो उसमें फर्स्ट 3 महीने के लिए 25% था, फिर अगले 3 महीने के लिए 50% हुआ जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही है, उसके कल से जो लागू होएगा उसमें 75% पीक मार्जिन का क्लाइंट को देना रहेगा और उसके 3 महीने बाद में पूरा 100% पीक मार्जिन भी क्लाइंट को देना पड़ेगा। इस सब का सबसे बड़ा चेंज जो आया है कि इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है जो कंपेरेटिवली बहुत कम रिस्की है एज कम्पेयर टू द एंड ऑफ द डे के, लेकिन उस इंट्राडे की मार्जिन भी कॉमन कर दी गई है लॉजिकली एज इक्वल टू द नॉर्मल मार्जिन जो एंड ऑफ द डे की पोजिशन के लिए लिया जाता है। एंड ऑफ द डे की पोजीशन की मैं बात करूं तो उसमें 2 दिन का मार्जिन शामिल होता है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस के लिए भी ELM मार्जिन करके दिया हुआ है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो के लिए है, तो सब मार्जिन लागू होता है फॉर द कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस के लिए। लेकिन अभी इंट्राडे का मार्जिन भी सेम लागू हो जाएगा आज से 3 महीने बाद और आज की तारीख में 75% उसका मार्जिन देना होगा। ठीक है, तो भूत्रा साहब आप मुझे ये कह रहे हैं कि भाई पहले ये था कि इंट्राडे में अगर मार्जिन है तो वो ब्रोकर फंड कर सकता था ब्रोकर की मर्जी पर, अगर वो चाहे तो थोड़ी लीवरेज पोजीशन की, भाई आप जितना 100 रुपये मार्जिन दिया है तो 200 का ट्रेड कर लो, 400 का कर लो, 300 का कर लो, जो भी कर लो, ठीक है ना। अब ये है कि वो पूरा का पूरा मार्जिन क्लाइंट को देना पड़ेगा, तो यही समस्या है। तो जैन साहब पहले एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिहाज से बताएं उन्हें क्या दिक्कत है, क्या वो ये चाहते हैं कि
जो ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई कि अब उन्हें ही देना पड़ेगा, वो ना दें और पहले की तरह ब्रोकर्स ही देते रहें? नहीं देखिए, ये इसकी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखिए रेगुलेटर अपनी जगह बहुत सही है कि देखिए उनको मार्केट की सिक्योरिटी और मार्केट्स ऐसे लेवल्स पे है, और प्लस कुछ रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुए ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के और ब्रोकर्स के, तो उसको देखकर काफ़ी चीज़ों को ठीक करने की पूरी कोशिश जारी है। 25% हुआ, 50% हुआ, 75% हुआ, जैसे अभी रूप जी ने बोला, और 75% कल से होना, तो मार्केट काफी डरा हुआ। और देखिए लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, और इंट्राडे जो कि लेसर रिस्की है, और फिर भी देखिए जो क्लाइंट्स होते हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स को एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और अगर लोग करते भी है तो इतना ज्यादा मैनेज, एक्चुअली क्लाइंट्स क्या है, इतना मैनेज नहीं कर पाते इंट्राडे में, हर चीज को इतना प्लान्ड वे में ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। कई बार आपको ट्रेड लेना है, उसके पहले आपको मार्जिन इंश्योर करना है, ये बहुत सारी, इनफैक्ट अभी भी जैसे रिसेंटली कई जो कंप्लायंसेस आए हैं सब अपने जगह पे सब सही है, मार्केट को दुरुस्त करेंगे लॉन्ग रन में, बट रिटेल क्लाइंट्स काफी आजकल अब थोड़ा वो रहने लग गया, और वो हो सकता है कि इससे मार्केट्स एक्सपोर्ट हो जाए, जो सबसे बड़ा डर है। देखिए मार्केट्स एक्सपोर्ट होने के भी डर है, तो मुझे लगता है कि क्लाइंट्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और ट्रेडिंग को फिर वो फुल टाइम तरीके से लेना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत जो करते थे इंट्राडे, हर तरीके से इतना एडवांस में प्लान होना क्लाइंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज लोग बाग ईओडी पे, एक टाइम था कि ईओडी बेसिस पे भी पूरा मार्जिन नहीं होता था, अब तो ईओडी बेसिस पे 100% ही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक सब ब्रोकर्स सारे प्लेटफॉर्म्स, तो जैन साहब बेसिकली सभी यही कह रही ना कि जो भी क्लाइंट है भाई पहले पैसा रखो, पहले मार्जिन दो, उसके बाद ट्रेड करो। अभी तक ये था कि ब्रोकर ने फंड कर लिया, एंड ऑफ डे अगर आपका मार्जिन बनता तो दे दो अगले एक दो दिनों में, अभी ये कि पहले रखना पड़ेगा। बराबर है भाईती साहब, तो इसमें ये तो ब्रोकर की सेफ्टी के लिए, इसमें समस्या क्या है, आपके मेंबर्स नाराज क्यों है, परेशान क्यों है? एक सिंपल सी बात है कि क्लाइंट को मार्जिन रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लाइंट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है ये एक्सचेंज नहीं समझता, सेबी नहीं समझता, लेकिन ब्रोकर और क्लाइंट की रिलेशनशिप है ब्रोकर समझता है। अगर कोई क्लाइंट आता है जो एक डेढ़ घंटे की पोजीशन लेता है, उससे मैं निफ्टी में 16% मार्जिन दूं और बैंक निफ्टी में 20% मार्जिन दूं, तो वो क्या क्लाइंट वो एक घंटे की ट्रेडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आप बैंक में जाते हैं, समझिए एक लाख का आपको लोन लेना है, लेकिन बैंक बोले आप 1 लाख का लोन लो या 50 लाख का लोन लो, हमारी मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ की है। क्या बिहेवियरल चेंज आएगा आदमी में? दो टाइप के बिहेवियरल चेंज आएंगे। एक तो जो छोटा निवेशक है वो बोलेगा भाई मैं तो 1 करोड़ मेरे पास ही नहीं, तो मैं ये काम ही नहीं कर सकता, तो वो निकल जाएगा। और दूसरी चेंज आ सकती है कि दूसरा आदमी बोलेगा मेरे पास 1 करोड़ है, अब जब बैंक 1 करोड़ ले ही रही है तो मैं 1 लाख की क्यों लोन, मैं सीधे 50 लाख की लोन लेंगे। तो क्या होएगा इससे कि जो क्लाइंट डे ट्रेडिंग करते हैं 1-2% की रिस्क खेलते हैं, अब क्योंकि 20% मार्जिन उन्होंने पहले से देना है, अब ब्रोकर तो स्क्वायर ऑफ करेगा नहीं, तो वो क्लाइंट अपनी लॉस मेकिंग ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में बदलते जाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को इंट्राडे में स्क्वायर अप करते जाएंगे। दूसरी एक बात, अगर आपको ये फर्क ही देखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास देखने के लिए उदाहरण है। आप T2T सेगमेंट उठा लो जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, सारी पोजिशन डिलीवरी में जाती है, सो एवरीथिंग इज एंड ऑफ डे। अब उसकी डेप्थ और उसकी वॉल्यूम कंपेयर कर लो जो रेस्ट ऑफ द मार्केट की डेप्थ और वॉल्यूम, तो इसका इफेक्ट क्या होएगा ये तो हमारे सामने है। मार्केट को अगर से भी T2T करना चाहती है तो फिर F&O क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? हम एक तरफ बोलना चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग एनकरेज करना चाहते हैं, हमने नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की है, F&O लॉन्च की है, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग लॉन्च की है, और दूसरे तरफ हम कहना चाहते हैं कि आप भले 1 घंटे की ट्रेडिंग करो या 1 दिन की करो या 1 महीने की ट्रेडिंग करो, मार्जिन तो मैं सेम लूंगा। और अगर यही करना है तो फिर ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर क्लाइंट को क्या प्रोडक्ट देगा जिससे वो दूसरे ब्रोकर से अलग हो सके? तो लेकिन एक चीज समझ नहीं है सर, मतलब मार्जिन और ट्रेडिंग वॉल्यूम का रिलेशन तो मार्केट के मूड के साथ ज्यादा है। देखिए मार्केट अच्छा है तो 75% मार्जिन होने के बावजूद, 50% मार्जिन होने के बावजूद वॉल्यूम लाइफ टाइम हाई पर है। मैं उस पर भाईती साहब आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन एक बार लूना साहब से राय लेना जरूरी है। लूना साहब, ये नए नियम बनाने के, पीक मार्जिन के नियम बनाने के पीछे सेबी की सोच क्या है, सेबी क्या चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है, ये बताएं सर। देखिए ऐसे है कि ये जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ये बहुत पुरानी है, जब से ट्रेडिंग चल रही है जी। चेंजेस सिर्फ ये लाई गई है कि पहले आप एंड ऑफ द डे पे मार्जिन को देखते थे, अभी आपको ट्रेड करने से पहले
मार्जिन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और बहुत बार ये देखा गया है कि जो ब्रोकर्स हैं वो एक्सेस लीवरेज प्रोवाइड करते हैं टू मीट द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेडिंग। वहाँ पे रिस्क एपेटाइट क्लाइंट का कितना है उसको कोई असेस नहीं किया जाता। और इन चीज़ों को रोकने के लिए और मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो मार्जिन की वजह से सिस्टमिक रिस्क कई बार मार्केट में क्रिएट होता है उसको चेक करने के लिए ये कदम उठाया गया है सेबी से। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप काफ़ी कंसल्टेशन के बाद उठाया है। नवंबर 1919 में भी ये कुछ चीज़ें लाई गई थी जिसमें कि अपफ्रंट मार्जिन आपको प्रोवाइड करना पड़ता था। तो मेरे ख्याल में चाहे कि इंटरडे में देयर इज सम इशू कि ये जो अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है उसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकते हैं, लिक्विडिटी मार्केट की थोड़ी अफेक्ट हो सकती है। पर मेरे ख्याल में खाली इसी पॉइंट को ही नहीं देखना चाहिए, हमें दूसरी चीज़ों को भी देखना चाहिए जिससे कि इस स्टेप से काफ़ी फायदे होने वाले हैं और मार्केट विल बी वर्किंग इन ए मच मोर रेगुलेटेड मैनर। और जैसे कि एक पर्सन ने भी कहा कि कई ब्रोकर्स ने इस किस्म के कई गलत गलतियां की जिसकी वजह से कई ब्रोकर्स उसमें प्रॉब्लम में आए हैं। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप से ब्रोकर्स भी डिसिप्लिन होंगे, ट्रेडर्स भी डिसिप्लिन होंगे और मार्केट पहले से बेहतर तरीके से काम करेगा। अच्छा सर, लूना साहब, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो एनमी का कहना है मैं उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी क्लाइंट लेवल पर अपफ्रंट पीक मार्जिन नहीं लगता, तो हमारे यहीं क्यों? पहली चीज़ तो ये कि भाई अगर सारे डेवलप कंट्रीज हैं, बड़े बड़े अच्छे सिस्टम हैं, हालांकि हमारे सिस्टम भी बहुत रॉबस्ट है, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तो फिर इतनी ज़रूरत है क्या? और दूसरा ये कि डे ट्रेडर को कितनी लिमिट होनी चाहिए ये ब्रोकर के एक्सपर्टाइज पे छोड़ दें, उसके एक्सपीरियंस पे छोड़ दें, अल्टीमेटली ब्रोकर का पैसा तो एक्सचेंजेस के पास है ही, तो फिर इतनी बड़ी रिस्क तो होनी नहीं चाहिए सिस्टम में। तो फिर क्या कुछ ऐसा नहीं तरीका निकाल सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेड्स के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाए और बाकी आप मार्जिन टाइट कर लें और क्लाइंट के लेवल पर आकर अपफ्रंट मार्जिन पूरा ना लें? मैं फुली एग्री करता हूं आपके साथ कि प्रोबेबली डे ट्रेडिंग के लिए देयर इज अ स्कोप फॉर रिकंसीडरेशन। उसमें प्रोबेबली सेबी को शायद इन सब लोगों की बात को सुनना होगा और डिसाइड करना होगा कि क्या एप्रोप्रिएट मार्जिन रिक्वायरमेंट हो सकती है। एनमी आज के दिन में उनकी रिप्रेजेंटेशन से ऐसे लगता है कि वो कहते हैं कि भाई ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये 3.33% ज़्यादा है, तो आई एम सॉरी 3.33 टाइम्स ज़्यादा है, नॉट परसेंट। तो मे बी दे हैव ए पॉइंट इन दैट और उस पॉइंट को देखने की ज़रूरत है और अगर कहीं पे उसमें कुछ थोड़ी ढील हो सकती है तो करनी भी चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई डे ट्रेडिंग में बहुत से ट्रेड जो हैं बाय द एंड ऑफ द डे स्केयर ऑफ हो जाते हैं और जो लाइबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कंसर्न सेबी का नहीं होना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि ब्रोकर्स ट्रेडर्स वो भी कंफर्टेबल रहें और मार्केट भी जो है वो भी फुली प्रोटेक्टेड रहे। बायती साहब, इसी पर आपसे राय लूंगा। अब देखिए, एक तरफ डर तो है और सब लोग, आप भी कह रहे हैं, लूना साहब भी इस बात को मान रहे हैं कि शायद वॉल्यूम्स कम होंगे, फंड्स भी ट्रेड करेंगे तो इम्पैक्ट क्रॉस ज़्यादा आएगी, आर्बिट्राजर्स कैसे करेंगे, आजकल तो सब मशीन से ट्रेड होने लगे, एल्गो ट्रेड, तो वॉल्यूम्स वगैरह कम होंगे, एक्सचेंजेस का रेवेन्यू भी कम होगा, सरकार का रेवेन्यू भी कम होगा। लेकिन अब आप देखिए दूसरी तरफ लाइफ टाइम हाई पर हैं, वॉल्यूम रिकॉर्ड बना रहे हैं, 50% तो मार्जिन लगा दिया फिर भी ट्रेड तो हो रहा है, तो पैसा बनेगा तब तो ट्रेड होगा, नहीं बनेगा तो आप बिना मार्जिन के भी ट्रेड नहीं करेंगे लोग, तो वो तो फिर ऐसे में दिक्कत क्या है ब्रोकर्स को? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मार्जिन का काम मार्केट के लेवल को देख के कम ज्यादा करने का नहीं होना चाहिए। मार्जिन का काम है मार्केट की रिस्क को देख के रिस्क कवरेज करना। ठीक है, जब एक्सचेंजेस ये रिस्क कवर करते हैं क्योंकि वो ब्रोकर्स के साथ डील करते हैं, एक्सचेंजेस को ये नहीं पता कि ब्रोकर लंबा ट्रेड करेगा या छोटा ट्रेड करेगा, इसके लिए एक्सचेंजेस ब्रोकर से पूरा मार्जिन, ब्रोकर इसीलिए रखे गए हैं
कि अगर ब्रोकर के पास 100 क्लाइंट आते हैं तो हो सकता है 50 एक तरह के ट्रेड करते हो, 25 दूसरी तरह के ट्रेड करते हो, 25 तीसरी तरह के ट्रेड करते हो। इस हिसाब से ब्रोकर को पता रहता है कि भी ये क्लाइंट को हम इतनी रिस्क दे सकते हैं, इस क्लाइंट को इतनी रिस्क दे सकते हैं और उस क्लाइंट को उतनी रिस्क दे सकते हैं। सारी दुनिया में यही एक नॉर्म है कि क्लाइंट से जो मार्जिन कलेक्शन होता है वो एंड ऑफ डे पोजिशन पे होता है, और अपफ्रंट मार्जिन तो खैर दुनिया में कहीं नहीं है एंड ऑफ डे पे भी। टी प्लस जीरो है, मतलब शाम तक ट्रेड मार्जिन फाइल आने के बाद आपको कलेक्ट करनी पड़ती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं लूना साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अभी कहा था कि सेबी स्पेक्यूलेशन एंड करना चाहती है, यही बात हमें खटकती है कि हम जो जब भी रेगुलेटर के पास जाते हैं एक ये डर्टी वर्ड आ जाता है स्पेक्यूलेशन, कि हम उसको खत्म करना चाहते हैं। देखिए जिस दिन आप स्पेकुलेशन खत्म कर देंगे मार्केट में, उसकी लिक्विडिटी का क्या हाल होगा, करेक्ट। और फिर जो निवेशक हैं वो भी काम कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको सोचना चाहिए। ये बात सही है, ट्रेडर्स, आर्बिट्राजर्स, एल्गो ट्रेडर्स सबकी सिस्टम में जरूरत है, क्योंकि लिक्विडिटी देने का काम तो वो भी करते ही हैं और उसके बगैर मुश्किल होगी। अब भूत्रा साहब, आप मुझे ये समझाइए, ऐसा क्या रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें सेबी का जो इंटेंशन है कि भाई मार्केट सेफ रहे, कोई ब्रोकर डिफॉल्ट ना हो। अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, अगर कोई ब्रोकर उड़ गया तो लोग तो रेगुलेटर को ही गाली देंगे, अरे भाई आप सो रहे थे क्या। तो उनकी जगह वो ठीक है, उन्हें तो रेगुलेशन लाने ही पड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन लाने ही पड़ेंगे कि ब्रोकर उड़े ना, करेक्ट। तो ऐसे में क्या ऐसा तरीका होना चाहिए जो सेबी का भी काम हो जाए, ब्रोकर का भी काम हो जाए और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी समस्या ना आए। अनिल जी, पहली चीज जो लूना जी ने भी जो बताया, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मार्जिन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, ब्रोकर के लिए, और कहीं भी ब्रोकर कम्युनिटी इस मार्जिन सिस्टम के ओवरऑल बेसिस पे कहीं भी अगेंस्ट में नहीं है। इसमें दो चैलेंजेस है जिसको पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा बिफोर सजेशन कुछ देने के। पहला चैलेंज ये है इसमें कि अभी जो चेंज होने जा रहा है रिसेंट में, वो आपके हेजर को भी इम्पैक्ट करने वाला है और नॉर्मल क्लाइंट जो नॉर्मल पोजिशनल ट्रेडर है उनको भी इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर को भी रोल ओवर करना होता है अपनी पोजिशन का। तो रोल ओवर करने के लिए पास्ट में जो मार्जिन जो लगता था, अभी तक उसकी रिक्वायरमेंट रूल आने के बावजूद भी मेट आउट रही थी, क्योंकि 50% मार्जिन उसको पे करना था। तो उसने यदि 50% मार्जिन टोटल, यदि यदि टोटल 100% एंड ऑफ द डे का दे रखा है तो 50% को मीट आउट कर जाता था। अभी उसको रोल ओवर करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा, उसके बगैर वो रोल ओवर नहीं कर पाएगा, या फिर उसको रोल ओवर में पहले स्क्वायर अप करना पड़ेगा और बाद में पोजीशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज है हेजर क्लाइंट जो होते हैं, जो इंट्राडे में अपनी हेज पोजीशंस को स्क्वायर अप करने के लिए कोई भी एक लेग पहले स्क्वायर अप करता है और बाद में सेकेंड लॉग स्क्वायर अप करते हैं, उन दोनों केस में भी मार्जिन आज की तारीख में एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा, तो या तो उस पर सामने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पेनल्टी आएगी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए सेबी को उसके हिसाब से आई थिंक स्कूल में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। और मेरा पर्सनली मानना है कि जो सेबी ने बिगनिंग में जहाँ 25% मार्जिन पीक पे जो चालू किया था, आई थिंक उस लेवल पे यदि कंटिन्यू कर लें तो मेरे को लगता है इतनी बड़ी दिक्कत इस चीज में नहीं रहेगी, और जो ये हेजर और पोजिशनल ट्रेडर भी आराम से उसमें काम कर पाएंगे और मार्केट में लिक्विडिटी का इम्पैक्ट भी ज्यादा नहीं रहेगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है लूना साहब, देखिए 25% पहले क्या, 50% अभी चल रहा है, कल से 75% अपफ्रंट मार्जिन है। क्या ऐसा कुछ है, एक डेटा एनालिसिस किया जा सकता है? मेरा जस्ट सजेशन है कि भाई 25% करने के बाद क्या कुछ डिफॉल्ट हुए हैं, करेक्ट, या 50% करने के बाद डिफॉल्ट हुए हैं, अगर नहीं हुए हों और ये एक कंफर्ट आ जाए कि भाई हाँ ठीक है 25% भी सफिशियंट है, तो थोड़े समय तक उसको चलाकर देखें, क्या ऐसा करना संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। सेबी ये सोच सकती है कि भाई अभी 50% में मार्केट चल रही है और अल्टीमेट एम चाहे 100% तक जाने का है, तो क्यों ना देखा जाए कि मार्केट मान लो 75% अभी ले जाते हैं, तो 75% पे लेके जाने के बाद क्या दिक्कत आ रही है मार्केट में, और अगर 75% से या 50% से मार्केट बेहतर चल रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि कंपल्सरी नहीं कि भाई उसको आप 100% तक ही एक साल में लेके जाओ। मे बी यू कैन गिव मोर टाइम टू द मार्केट टू सेटल डाउन, और जैसे मार्केट सेटल डाउन होती है एक दो साल में फिर उसको आगे और बढ़ा दो। यू डोंट हैव टू लीव इट ऑल टुगेदर, लेकिन ये है कि भाई एक तरह का मार्केट को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम मिल सकता है, और वो टाइम देने के लिए मेरे ख्याल में ऐसी एडजस्टमेंट करनी पॉसिबल है।
बायती साहब, पहले जैसे मतलब एक जनरेशन पहले का समझ लो, जब हम यंगस्टर्स होते थे, मतलब 20 22 25 साल के करियर शुरुआत करते थे, उस समय अगर कोई बोले कि भाई ये सिर्फ ट्रेडिंग करता है या मार्केट में है, तो ऐसा थोड़ा ख़राब समझा जाता था कि भाई अरे वही जैसा अभी आपने कहा ना, वो बैड वर्ड स्पेकुलेशन, डर्टी वर्ड है ऐसा। अबे आज के ज़माने में तो लोग अपने कार्ड पे लिखते हैं, ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग कोई खराब प्रोफेशन नहीं, फुल टाइम प्रोफेशन है, और उसको करके अगर कोई पैसा बनाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, करेक्ट? क्या आपको लगता है जो यंगस्टर्स, नए प्रोफेशनल्स हैं जो स्टॉक मार्केट में फुल फ्लेज करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो ऑप्शंस की ट्रेडिंग से बनाए हैं, वैसे ट्रेडिंग करके बनाए हैं, एल्गो करें, आजकल तो हजारों टेक्निक आ गई, तो क्या ऐसे लोगों का इंटरेस्ट मार्केट में कम हो जाएगा? ये कुछ इम्पैक्ट करेगा नए नियम इसके चलते, आपको लगता है ऐसा? भाईती साहब, क्या आप मुझसे सुन पा रहे हैं? जी, नहीं, आपके लिए हाँ, सवाल है। जी ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा। इससे पहले मैं एक बात बताना जी चाहता हूँ जी कि हमने सेबी को पूरा हिस्टोरिकल डेटा दिया है, बैक टेस्ट करके डेटा दिया है, तब हमने रेकमेंडेशन की है कि आप 33.3% अगर मार्जिन लेते हैं जो एंड ऑफ डे पे लगती है और पीक मार्जिन, उससे सारी रिस्क 100% ऑफ द डे ट्रेडिंग रिस्क इज कवर्ड। तो ये सारी रिस्क कवरेज की बात अब हो ही नहीं रही है। मार्जिन लगा रहे हैं क्योंकि सेबी को एक तरह की ट्रेडिंग बंद करनी है, और वो ट्रेडिंग अगर बंद होती है उससे क्या नुकसान होता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दुनिया में ये कहीं नहीं है, ये सेबी को सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि डे ट्रेडिंग और ओवरनाइट ट्रेडिंग में फर्क क्या है, उसके लिए हमारे पास दो सेगमेंट है, उससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन अभी एक सेबी में एक ये मंशा है कि ब्रोकर क्लाइंट का फंड मिसयूज करके दूसरे क्लाइंट को ये लिमिट देता है। मेरे हिसाब से उसके लिए जो सोल्यूशन है वो सेबी कर रही है। अब आप देखो, पिछले 3 महीनों से सेबी ने डायरेक्ट प्लेज अनप्लेज शुरू किया है। क्लाइंट ब्रोकर को शेयर देगा ही नहीं, इसमें ब्रोकिंग कम्युनिटी ने कभी अपोज नहीं किया, हमने वेलकम किया है कि हाँ एक क्लाइंट का शेयर दूसरे क्लाइंट में नहीं जाना चाहिए। अब फंड्स को लेकर भी सेबी ने एक डिस्कशन पेपर निकाला है, हम उसको भी वेलकम करते हैं। क्लाइंट का फंड मिसयूज नहीं होना चाहिए, यहां तक हम वेलकम करते हैं, लेकिन ब्रोकर क्लाइंट को कोई फैसिलिटी दे ही नहीं सकता, तो फिर ये मार्केट में तो फिर वही हो जाएगा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आप आओ 100 रुपीज का मार्जिन दो, फिर ब्रोकर की जरूरत क्या है, आप एक्सचेंज में जाके क्लाइंट रजिस्टर होके ट्रेड कर लो जब पूरा ही मार्जिन देना। बात तो ठीक है लूना साहब, ये पॉइंट तो लॉजिकल लग रहा है बायती साहब का। तो फिर ऐसे में ब्रोकर जो इस बिजनेस को समझता है, ठीक है ना, वो अपनी बिजनेस रिस्क लेके चल रहा है कि कोई जैन साहब हैं जो उनको लगता है कि भाई ये क्लाइंट 100 रुपए लेके आ रहा है, मुझे इसको किसी को 200 देंगे लिमिट, किसी को 400 देंगे, किसी को 100 के सामने 100 ही देंगे, भाई तू तो डिलीवरी खरीदेगा, जितना पैसा देगा उतना ही दूंगा। उसकी माइंड सेट, उसकी रिस्क एपेटाइट, उसके व्यवहार पे वो उतनी लिमिट देगा। तो ये काम अगर ब्रोकर पे छोड़ दे तो समस्या क्या है सर इसमें? ऐसे है कि अगर सेल्फ रेगुलेटेड ब्रोकर्स अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाते तो ये सब रेगुलेशंस की जरूरत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता नहीं है कि जो ब्रोकर्स हैं वो अपने आप में ही सेल्फ रेगुलेटेड एंटिटी बनके और कोई किसी किस्म की इरेगुलरिटी ना करें, ऐसा होता नहीं है। एंड दैट इज द रीजन के रेगुलेटर को रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, और जो ब्रोकर्स हैं ब्रोकर्स भी सबके सब एक लेवल पे नहीं लिए जा सकते। मैं ये बात मानूंगा कि बहुत से ब्रोकर्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनके ऑपरेशंस में कोई किसी किस्म की इरेगुलरिटी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम देर आर सम ब्रोकर्स हु इंडल्ज इंटेंशनली इन दिस काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज, और वहीं पे सिचुएशन आती है जहाँ पे रेगुलेटर को इंटरवीन करना पड़ता है और सिस्टम को बचाना पड़ता है। तो इसलिए एनमी की पोजीशन ये हो सकती है कि वो दे सपोर्ट ऑल दिस काइंड ऑफ एक्शंस एंड दे से कि भाई वी आवरसेल्व्स कैन टेक केयर ऑफ दिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे तो हर ब्रोकर जो है वो इस चीज़ को ना मानता है और ना पूरी तरह से उसको बात कर नहीं,
उसका पालन करता है। ठीक बात है। तो लूना साहब ने जो प्रॉब्लम्स रखी हैं, राजेश जी शो खत्म करने का वक्त है, आखिरी जवाब आपसे उन पर लेना चाहता हूँ। क्या एनमी एंश्योर कर सकती है? एंश्योर मतलब देखिए अल्टीमेटली आप तो एक संस्था है मेंबर्स की, रेगुलेटर तो है नहीं, लेकिन क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं कि इस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है जहां पर क्लाइंट्स के फंड्स स्टॉक्स का मिसयूज ब्रोकर के द्वारा ना हो, जिस जो सेबी की सबसे बड़ी चिंता है? उसके लिए जो भी कदम उठाए सेबी, जैसे अभी शेयर्स सिक्योरिटीज जो क्लाइंट के अकाउंट से निकलती नहीं है और क्लाइंट को उसके पोजीशन पे उसकी सिक्योरिटी एडजस्ट होती है, ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल। वैसे ही फंड्स जो क्लाइंट देता है उसको भी सेग्रीगेशन किया जा सकता है कि क्लाइंट के फंड्स क्लाइंट से डायरेक्ट क्लाइंट वाइज डिमार्केशन हो जाए एक्सचेंज लेवल पे, और क्लाइंट की वो पोजीशन हो तो ही उस फंड को मार्जिन में एडजस्ट किया जाए, वरना नहीं किया जाए। इसके लिए एनमी तैयार है, एनमी वेलकम करती है। फंड की पूरी सेग्रीगेशन, सिक्योरिटीज की सेग्रीगेशन हो चुकी है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कोई भी डिफॉल्ट ना हो, कोई भी चोरी ना हो, तो मुझे लूना साहब से पूछना, आप एक इंडस्ट्री मुझे बता दीजिए, एक बैंक बता दीजिए जिसका एनपीए जीरो है, एक इंडस्ट्री बता दीजिए जहां कोई चोरी नहीं होती, एक कोई कारोबार बता दीजिए जहां कोई टैक्स नहीं चोरी करता। तो ये सब तो होती रहती है, हमें चोर को पकड़ना है, हमको मार्केट को नहीं पकड़ के बंद करना है। देखिए तो एक बैलेंस होना चाहिए, हम चोर को पकड़ेंगे या मार्केट को बंद करवा देंगे। अभी जो ओवर रीच हो रही है थोड़ी दूसरी तरफ। जी, ठीक बात है। तो ये स्टैंड ऑफ वाला मामला है, देखते हैं, दोनों तरफ के लॉजिक बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि नियम लागू होने के बाद वॉल्यूम्स पर, लिक्विडिटी पर असर तो आएगा, इम्पैक्ट कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी भी। सेबी के अपने तर्क हैं, अपने कारण हैं, जिससे वो मार्जिनिंग सिस्टम को और स्ट्रांग, मजबूत और कड़क बनाना चाहती है। ब्रोकर्स की अपनी समस्याएं हैं, ट्रेडर्स की अपनी दिक्कतें हैं, अगर वो फुल टाइम ट्रेड के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आर्बिट्राजर्स हैं, जॉबर्स हैं, एल्गो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ने वाली है। देखते हैं क्या कुछ होता है। अब तो फिलहाल इस वक्त तो अभी तीसरा चरण इसका कल से शुरू होने वाला है, सितंबर में चौथा होगा, फिर एक बार वापस इस मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक अगर कोई सॉल्यूशन निकले, आप लोगों की बात हो, सेबी के साथ मुलाकात हो, विचारों का आदान प्रदान हो, कोई एक बढ़िया ऐसा सॉल्यूशन आ जाए जिसमें ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का हित अपनी जगह ठीक रहे, ब्रोकर्स और साथ ही सेबी का भी जो कंप्लायंस वाले इश्यूज हैं, और ओवरऑल मार्केट की सेफ्टी, अगर इस तरह का कोई एक फॉर्मूला बन पाए तो वो शायद सबके लिए अच्छा होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सबने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने विचार बहुत साफ सुथरे तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियर कट रखे हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, लूना साहब, भाईती साहब, बुधरा साहब, जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।